एक्चुअली आज हम जो शूट कर रहे हैं ये आर ऑफ यादव एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस है, उनके लिए एक शूट किया जा रहा है। जो अपकमिंग टैलेंट हैं, यंगस्टर्स, उनको प्रमोट किया जा रहा है। साथ ही साथ हमारी जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है मूवी, उसको भी प्रमोट कर रहे हैं हम। और जो आज की यंग जनरेशन है, जैसे ये, तो इनके साथ साथ काफ़ी आर्टिस्ट हैं जिनको हम प्रमोट कर रहे हैं। मतलब एक टैलेंट यूथ। हाय, माय नेम इज़ निकिता नेगी। मैं ये यश यादव, क्या नाम था, आरव एंटरटेनमेंट। जस्ट, तो अभी जैसे हमारे अभी ऑन प्रोजेक्ट जो चालू हैं एल्बम, उसकी जब फ्लोर पे हैं, साथ ही अपकमिंग जो हमारा प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए हम अपकमिंग जो टैलेंट्स है यूथ, उनको प्रमोट कर रहे हैं। जो अभी आज ही हमारा एक उभरता सितारा है, वो भी आपको कुछ उनके एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। निकिता नाम है इनका। हाय, माय नेम इज़ निकिता नेगी। मैं आरव यादव एंटरटेनमेंट में काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ, एंड इनका वर्क मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एक फैमिली बॉन्डिंग की तरह है, काफ़ी अच्छा इनका वर्क होता है। और मैं आज इनके एक एल्बम सॉन्ग में एज अ लीड वर्क कर रही हूँ। इनके हर एक प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, एंड मेरी स्ट्रगल है, मेरी जो भी मैं सपोर्ट करती हूँ, मेरी मॉम के पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है। एंड अभी तक मैं यहाँ तक पहुँची तो सिर्फ मेरी मॉम की वजह से। नमस्कार, मैं अभय सिंह। आज मेरे बड़े भाई विपिन यादव, जिनका भोजपुरी एल्बम शूट हो रहा है, जो एल्बम बहुत ही जल्द अच्छे चैनलों पर रिलीज़ होंगे। आरव यादव एंटरटेनमेंट जो यूट्यूब भी चैनल है, तो आप लोग देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और आशीर्वाद दें। सर, ये किस टाइप का सॉन्ग होगा? ये बेसिकली एक फ्लेवर्ड मिक्स सॉन्ग है। बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट है होली के लिए, क्योंकि अभी होली आ रही है इसलिए है। और बाकी उसमें अलग अलग टाइप के फ्लेवर्स हैं, देसी तड़का है, वेस्टर्न है, मिक्सचर ऑफ ऑल एल्बम इसमें है। बिल्कुल साफ सुथरी एल्बम है ये, पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं आप लोग। तो ये सॉन्ग लोगों को देखने को कम मिलेगा? देखो, होली के पहले ही मोस्ट प्रोबेबली हम रिलीज करेंगे, क्योंकि मेन जिस कॉन्सेप्ट को लेके हम इसको पिक्चराइज कर रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट मेन है होली, तो होली के पहले ही करेंगे हम। तो मैं आपके कुछ मतलब आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को ही हो तो? हाँ, ऐसे में काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऐसे अपकमिंग आने वाले हैं। मतलब ऑलरेडी वो कर रहे हैं काफ़ी प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में हैं, ऑन शूट भी हैं, और जो और कोई अंडर प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन में चल रहे हैं, बट अभी तक वो बिकॉज ऑफ लॉकडाउन प्रॉपरली ऑन एयर आए नहीं है। सर, देखो, होली का शूट चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, और यहाँ पे भी भाई बहन जो भी हैं सब शूट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे शूट चल रहा है और यहाँ पे मतलब सब जन का बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रेंडली रिलेशन है। हम आए हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो इन्जॉय करने का मौका मिला, बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट है यहाँ पे। हम लोग ने जितना शूट किया उससे ज़्यादा हमने यहाँ पे इन्जॉय भी कर रहे हैं, और होली का सॉन्ग आ रहा है जो कि सुपर डुपर हिट ही होने वाला है। थैंक यू। नमस्कार, मैं विजेंद्र यादव। आज हम लोग होली के शूट कर रहे हैं, ये सेट होली के सेट पे, और जिनके प्रदूत किए हैं मेरे बड़े भाई विपिन यादव जी, और भैया के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, और इसने ऐसा मैसेज में मुझे कास्ट किए, बहुत अच्छा लगा शूट करके। और प्लस हमारा आरओ एंटरटेनमेंट, जो मेरे भैया खुद मालिक हैं आरओ एंटरटेनमेंट के नाम पे, अच्छी अच्छी आपको वेब सीरीज मिलेगी देखने के, और आप लोग सब्सक्राइब उसको करिए। तो सर, ये किस टाइप का सॉन्ग होगा? होली से पहले जो कि हम रिलीज करेंगे। अभी तो वेब सीरीज और क्या बोलते हैं भोजपुरी पिक्चर्स, ये सब भी हम लोग क्या बोलते हैं अपकमिंग लाने वाले फोर्थकमिंग चीज़ें हैं। अभी जिसके अपनी फिल्म का एक अभी हुआ है, वह आगे दो तीन प्रोजेक्ट और भी चल रहा है, जिनके प्रोड्यूसर मेरे बड़े भाई विपिन यादव जी ही हैं, और भैया भी रहेंगे, और आगे बहुत सारे आर्टिस्ट भी हैं। कहानी भी रेडी है, लेकिन मीडिया के सामने हम बता नहीं सकते हैं।
सॉन्ग को लाइक करें जितना ज़्यादा हो सके, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम कहना चाहते हैं अपने जितना यूपी बिहार के जो जनता है, जो भोजपुरी जितनी समाज है अपनी, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सुने, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। बाकी सॉन्ग तो बहुत प्यारा है, बाकी इन्जॉय करने में, शूट करने में बहुत मज़ा आ रहा है, सबके साथ काम करके बहुत मज़ा आ रहा है। दरअसल पहली बार हमारे डांस मास्टर भी बहुत अच्छे हैं, जो कि हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें जो होती है, गलत होती है, उसको भी अच्छे से समझा रहे हैं। और मैडम के साथ तो काम करके तो ओहो पूछो ही मत, क्या इन्जॉय मिल रहा है। नमस्कार, मैं विपिन यादव, आर ऑफ इन प्रोडक्शन ऑनर। आज हमारे भोजपुरी सॉन्ग का बहुत अच्छा ही शूट चल रहा है, जिसमें हमारे साथ प्रकाश भैया हैं, अभिषेक सेट्ठी भाई हैं, ब्रजेंद्र हैं, अभय सिंह जी हैं, रुद्रा भाई हैं, और ये मैम भी हैं, वो मैम हैं। बहुत अच्छा ही होली का सॉन्ग आने वाला है, आप लोग को बहुत अच्छा ही इंटरटेनमेंट करने को मिलेगा। नमस्कार, मैं प्रीति अंधारे बात कर रही हूँ आरव प्रोडक्शन से। आज होली का सॉन्ग शूट हो रहा है, तो मैं इतना ही बताना चाहूँगी कि मैं आज इधर आई हूँ तो मुझे हर एक पर्सन से कुछ नया सीखने को मिल रहा है, और आगे भी सीखती ही रहूँगी। बस मेरा मतलब, मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सॉन्ग जब रिलीज़ होगा तब आप ये सॉन्ग बहुत मन से देख लो। थैंक यू। नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत, जो कि ये आरओ प्रोडक्शन से होली का सॉन्ग रिलीज़ हो रहा है, जो होली से पहले रिलीज़ होगा। इसमें हमारे बड़े भाई विपिन भाई जो प्रोड्यूसर है, अच्छा है, मतलब इन्जॉय भी हो रहा है, अच्छा शूट चल रहा है। तो मैं ऐसी कामना करता हूँ कि ये अच्छा से हो और इसका अच्छा फैन फॉलोइंग हो। और नमस्कार, मैं श्वेता, ये आरओ प्रोडक्शन से है ना एक रिलीज़ हो रहा है भोजपुरी सॉन्ग, बहुत अच्छा है, और अभी तो शूट चालू है और रिलीज तो होली के टाइम होने वाला है, वो इतना ही कहना चाहूँगी। मैं देख के बहुत खुश हूँ, और क्योंकि परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छे ये लोग कर रहे हैं, और जहाँ तक कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक इसको देखेगी, और ये होली के टाइम पे रिलीज करेंगे इसको, तो सबका जो है शानदार परफॉर्मेंस है, और आगे मैं यही चाहूँगा कि अच्छा से अच्छा हो, बस थैंक यू। नमस्कार, मैं अभय सिंह, भोजपुरी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आज होली का गाना कर रहे हैं विरार में, बहुत ही धूमधाम से इसकी शूटिंग चल रही है आरव यादव एंटरटेनमेंट से, जो है कोरियोग्राफर हैं दिलीप जी, डीओपी हैं मेरे बड़े भाई नवीन जी, और जिसके निर्माता हैं विपिन यादव जी। इसके बाद बैक टू बैक फिल्में आ रही हैं, एक फिल्म हम लोग जल्दी कर रहे हैं अप्रैल से, जिस फिल्म का नाम है देसी लड़का अंग्रेजी मैम। स्क्रिप्टिंग हो गई है, म्यूज़िक तैयार है, बस कास्टिंग चालू होगी, और उसमें कास्टिंग डायरेक्टर अभिषेक शेट्टी जी हैं। तो बैक टू बैक हमारे प्रोजेक्ट हैं इस साल, और पहले भी फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं और आने वाली हैं, वेब सीरीज़ आने वाली है अच्छे चैनलों के लिए। तो यही चाहूँगा कि जितने दर्शक हैं सब इस गाने को देखें, प्यार दें, आशीर्वाद दें, और फैलाएँ, बस मचा दो धूम भाई होली पे खेलेंगे। सबसे पहले तो मेरा भोजपुरिया दर्शक लोगों का कोटि कोटि प्रणाम है हमारे तरफ से, क्योंकि मैं भोजपुरी सिंगर ऑलरेडी हूँ मैं, और मेरे गाने ऑलरेडी मार्केट में चल ही रहा है वेब म्यूजिक, और बहुत सारे मतलब कंपनी है जो बड़े बड़े कंपनी से मेरा रिलीज हुआ है, और अभी मैं ये हमारे छोटे भाई हैं अभय जी, इनके साथ मैं जुड़ करके अभी एक और एल्बम कर रहा हूँ, जिसकी शूटिंग यहाँ पे चल रही है, बहुत ही अच्छा से चल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि ये दर्शकों का ये मेरा सॉन्ग भी बहुत पसंद आएगा, जो अपना लॉलीपॉप चॉकलेट लागेलू सॉन्ग है। तो मैं यही कहना चाहूँगा सबसे कि जल्द ही मतलब कि ये गाना जो है वर्ल्ड वाइड म्यूजिक से रिलीज करने का हम प्लान चल रहा है पूरा, तो शूटिंग भी बहुत ही ज़ोरदार चल रही है अच्छे का से, सारे हमारे भाई लोग बैठे हैं, इन लोग का भी मेरा नमस्कार है और तहे दिल से प्रणाम भी है, ताकि इन लोग के सपोर्ट के वजह से वो गाना बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुल शूट हो रही है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा आने वाले गाना को मतलब कि पब्लिक भी अच्छे से मतलब इंतज़ार करें, और बहुत जल्द ही जल्द मतलब ये रिलीज होने वाला है, ये जो होली के शुभ अवसर पर हम लोग करने जा रहे हैं। ओके, थैंक यू। नमस्कार, मैं अभिषेक पांडे हूँ, आरव इंटरटेनमेंट के साथ हम लोग जुड़े हैं। आज हम लोग विरार में आए हैं होली का गाना शूट करने के लिए। ये सॉन्ग ठीक होली से पहले रिलीज़ होगा,
और सेट्टी कास्टिंग एजेंसी इसमें पार्टनरशिप में है। हम नए टैलेंट को प्रमोट करते हैं, तो जितने भी नए कलाकारों को हम मौका दे रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आप सबका बस प्यार दे। नमस्कार सर, आप सिंगर हैं तो आपके अपकमिंग सॉन्ग्स के बारे में। हाँ, ये मेरा अपकमिंग सॉन्ग अभी आ रहा है जो चॉकलेट लागे लू, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है ना, जो मुझे उम्मीद है कि सारे जितने हमारे भाई लोग हैं यहाँ पे इन सबको बहुत ही पसंद आया, तो मुझे उम्मीद है कि पब्लिक को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और लाइक भी मुझे मिलेगा। सर गाने की अगर दो लाइन हो जाए तो। गाने की दो लाइन सर, सॉरी सर, माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि अभी ये न्यू सॉन्ग है, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। इससे मतलब कुछ, हाँ इससे पहले जो रिलीज हुआ उसके बारे में मैं बता दूंगा। जैसे मेरा जो हिट गाने चला था नजरिया जब से लड़ल दिल देहाल हो गई, नजरिया जब से लड़ल दिल बेहाल हो गई, दिल वसामा जैसे जल के हबू झराख हो गई, दिल वसामा जैसे जल के हबू झराख हो गई, नजरिया जब से लड़ल दिल बेहाल हो गई। मतलब ये सॉन्ग जो मैंने अपना वेब म्यूजिक से किया था और काफ़ी मार्केट में अच्छा खासा चला, अच्छे परफॉर्म भी मिले मुझे और एक अच्छा एक भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिला, तो मैं वेब म्यूजिक वाले लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं सिंगर अरुण जेटली, मैं उनका भी और पब्लिक का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लास्टली क्या कहना चाहेंगे आप लोग? लास्टली ये कहना चाहते हैं कि देखिए सर, अभी जो ये सॉन्ग हम लोगों ने जो बनाए हैं ये बहुत ही बेहतरीन है और बिल्कुल ही सारे आई थिंक सो ये डिफरेंट ही, बहुत ही डिफरेंट हम लोगों ने ये सॉन्ग किए हैं जो लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है, यही मैं कहना चाहता हूँ। ओके धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे? अभी दरअसल अभी जो गाना हम शूट कर रहे हैं, जो अभी चल ही रहा है, यादव जी जिला इलाहाबाद करके इसका टाइटल ट्रैक है, जो काफ़ी धूम मचाएगा और उसको हमने एक अलग तरह का फ्लेवर दिया है। और इस प्रोजेक्ट को मतलब शुरुआत से जो नींव होती है उसको आगे बढ़ाने में बिपिन यादव जी मेरे बड़े भाई, इनका बहुत बड़ा हाथ है, अभय सिंह जिन्होंने मुझे इनसे मिलाया और एक मतलब बोलते ना अपकमिंग टैलेंट, खुद एक यंगस्टर होके उसने बिपिन भाई का साथ लेके आज आगे बढ़ा है। और काफ़ी जैसे कि ये रुद्रा भाई हैं, एक अच्छे सिंगर हैं, अपकमिंग टैलेंट इनके पास भी है, इनसे मुलाकात हुई और अब ये भाई से भी मेरी मुलाकात हुई है। अब ये है कि एक टीम बन चुकी है, बस अब मौका जिस जिस को चाहिए, जो जो जुड़ेगा वो साथ आगे बढ़ता जाएगा, हमें तो बढ़ना ही है, जो साथ देगा वो साथ बढ़ेगा, जो नहीं रहेगा वो बाद में पछताएगा। बिल्कुल।